हेलो दोस्तों, वेलकम माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपनी बर्ड्स का नेस्ट लेने। तो हमारे यहाँ जो नेस्ट मिलता है और जो मैं अपनी बर्ड्स को नेस्ट रखता हूँ, वो जंगली नेस्ट होता है गाइस। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हम लाते हैं उसे और कैसे रखते हैं। तो यहाँ पर सामने की तरफ बायरी जवान ने गाड़ी निकाल ली है। अब हम गाड़ी पर बैठ के जाने वाले हैं जंगल में और वहाँ से उनका नेस्ट लाएँगे। दोस्तों, यहाँ पे हम जा रहे हैं जंगल की तरफ और आपसे जंगल में जाके मिलते हैं। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, ये बायरी जवान है, वहाँ पे ये भाई सलमान है, ये हमारा नेस्टिंग तोड़ रहा है। ये तो ये जंगली जाड़ा होता है, इसका नाम जाड़ा होता है और ये नेचुरल है। ये देखिए यहाँ पे, ये हम अपनी डायमंड डाउ को देंगे ये नेस्टिंग और ये बहुत अच्छी नेस्टिंग होती है। तो गाइस, यहाँ से हम अपनी बर्ड्स के लिए चीकनी मिट्टी भी लेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चीकनी मिट्टी पड़ी हुई है, इसमें से हम कुछ मिट्टी लेंगे जो बर्ड्स खाते हैं। जैसा ये यहाँ पे साफ मिट्टी है तो ये वाली लेंगे, इसको फोड़ के निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपनी मिट्टी भी ले ली है और जाड़ा भी ले लिया है। देख सकते हो आप, इस पन्नी में सारा हमारा सामान है ये। अब चलते हैं हम इसे घर ले कर और वहाँ पे अपनी डायमंड डाउ के नेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक जानवर दिखाए, ये देख सकते हो आप सामने की तरफ, इसका नाम है नेवला बोलते हैं इसे। ये जा लिया है, उधर ले जाके दिखाऊँ आपको। वो निकल लिया है गाइस यहाँ से, पता नहीं किधर गया है, अपने घर की तरफ जा लिया वो मुझे लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे भाई रिजवान मुर्गा और मुर्गियों के लिए यहाँ पे बरसी ले रहा है। ये देख सकते हो आप, ये मुर्गा और मुर्गी खाते हैं बहुत शौक से, हरा चारा बोलते हैं इसे। ये रहा, और ये इस तरफ देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स आ रखे हैं ब्लू कलर के। कुछ ऐसे जानवर दिखे हैं जो मैंने आज पहली बार देखे हैं, आपको दिखाता हूँ। उधर देखिए, सामने की तरफ बैठा हुआ है, ये देखिए ऐसे जानवर हैं। एक ये बैठा है सामने की तरफ, कुछ उनके मेंबर वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, ये देख सकते हो ये ट्यूबवेल है और इस ट्यूबवेल से जो ये पानी जा रहा है ये इधर को, ये खेतों में जा रहा है आगे की तरफ। ये देखिए ये ट्यूबवेल है और यहाँ पे गर्मी के मौसम में हम सब नहाने आते हैं। ये देखिए इस प्रकार से बनी होती है, ये ट्यूबवेल बोलते हैं इसे, और ये पानी आ रहा है इसमें। तो दोस्तों, अब हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। तो ये देखिए हमारी गाड़ी भी चल दी है और हम गाड़ी पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, फाइनली घर पहुंच चुके हैं अपना नेस्टिंग और मट्टी लेके। ये हम ऊपर आ चुके हैं। हम दोस्तों, ये जो हरा चारा है ये अपने हम मुर्गा और मुर्गी को डालते हैं यहाँ पे। ये देखिए सभी आ चुके हैं, मुर्गा और मुर्गी। तो ये यहाँ पे डालेंगे हम इनको। आ आ आ, ये हमने इनको हरा घास डाल दिया है और ये खाने लगे हैं। तो दोस्तों, हमने जो हमारा डायमंड डाउ का पिंजरा है उसमें नेस्टिंग रख दी है। ये यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए ये इसमें चोंच भी मार रही है और ये अपनी डायमंड डाउ इधर अपने जो ये टोकरी है इसमें ले जाके रखने वाली है अब ये जो नेस्टिंग है। और यहाँ पे हमारी जो बजीज का पिंजरा है,
यहाँ सामने की तरफ मैंने मट्टी रख दी है, देख सकते हो आप, और इसमें भी रखी है और इसमें भी रखी है यहाँ पे, और सब में अभी हमारे पास मट्टी है। उसमें हमारे कोकाटेल के केज में भी मट्टी है और जो हमारा जावा का केज है इसमें भी मट्टी है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट लाइव स्थान पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, जब तक के लिए गुड बाय।